जी कैसे हो आप सब, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी अपनी सईदा। सो सबसे पहले आप सबको बहुत 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 सारा थैंक यू है कि आपने इसके पहले वाले व्लॉग में जो मुझे इतना प्यार दिया, मेरी बातों को इतना ज़्यादा समझा, मेरी फीलिंग्स को, मेरे को सपोर्ट किया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया यार। सच में आप लोग ना लविंग वन। मुझे भी ऐसे दुख लगता है यार कभी कभी कुछ गिने चुने गंदे लोगों की वजह से ना, मुझे इतने प्यारे प्यारे को, मतलब ऐसे होता है ना कि यार कभी कभी सोचती हूँ ना कि यार सच में मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे इतनी प्यारी फैमिली मिली है। सारे तरफ से आप लोग बहुत बेस्ट हो। सो अगेन दिल से थैंक यू है। अब जो व्लॉग है वो स्पेशली ये है कि पहले आप लोगों को इस बार मुझे बताना है कि आप लोग न्यू ईयर पे क्या कर रहे हो, ठीक है। आप लोग न्यू ईयर पे कौन कहाँ जा रहा है, किस हिसाब से सेलिब्रेट करने वाला है, और मुझे भी प्लीज़ कुछ ना कुछ सजेस्ट करो यार कि मैं न्यू ईयर कैसे करूँ। बाहर कोविड बहुत आ रखा है और दिल्ली में वो सीन हो रखा है, गाड़ियों का झमेला हो रखा है, तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है घर पे कैसे करूं, कहां जाऊं, क्या करूं। तो आप लोग प्लीज़ मुझे ना गाइड करो कि मैं इस बार न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट करूं मेरा। और आप लोग कौन क्या कर रहे हो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर ज़रूर बताना। जैसे कि इसके पहले वाले व्लॉग में मैंने सारे कमेंट्स पढ़े थे, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स थे, तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि जब भी मैं मेरा मी टाइम होता है तब मैं आप लोगों के कमेंट्स ज़रूर ज़रूर पढ़ूँ। बाकी टाइम तो थोड़ा बहुत कभी वॉक करना होता है, कभी ये करना, कभी वो करना, तो बहुत वो रहता है और थोड़ी सी बॉडी भी वो रहती है। बट एक बात और बताऊँ कि मुझे ना बहुत लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि दीदी मैं भी इतने मंथ्स की प्रेग्नेंट हूँ बट प्रोटीन इंटेक नहीं कर पा रही हूँ, आयरन इंटेक नहीं कर पा रही हूँ, आप कौन सी दवाई लेते हो, कौन सी क्या प्रोटीन लेते हो। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, जो मेरी डॉक्टर ने मेरे अकॉर्डिंग मुझे सजेस्ट की है, तो वो चीज़ें मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँ। ज़रूरी नहीं है आपको और मेरा सिम्टम सेम हो, सारी चीज़ें सेम हो, हीमोग्लोबिन की मात्रा सेम हो या हर चीज़ की मात्रा सेम हो, है ना। बट मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बताऊँगी, ये कोई प्रमोशन नहीं है, मुझे लगा कि यार मैं ले रही हूँ तो मुझे आप लोगों को बताना चाहिए। जो भी कोई मॉम टू बी है ना, वो ये थ्रिप्टिन वाले बिस्किट हैं ये, ठीक है। ये कौन कौन ले रहा है वो भी मुझे बताना, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था कि सीधा आप ये लो ही लो, इससे आप दिन भर में अगर 2 से 3 बिस्किट भी खा लोगे ना, उससे ही आपको प्रोटीन काफ़ी अच्छा इंटेक हो जाएगा। तो प्रोटीन इंटेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैंने सोचा यार मैं जो भी करती हूँ आप लोगों के सामने हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ, और यहाँ पर ये मेरे ड्राई फ्रूट्स की प्लेट रेडी हो गई है, क्योंकि ड्राई फ्रूट अब हम ना भिगोए हुए नहीं खाते हैं। और एक बात कि आज मेरे घर कोई आने वाला है, हाँ जी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, पता चल ही गया है, बट फिर भी मैं आपको बताऊं कि वो बहुत प्यारी लेडी हैं, वो है निशा, यस, जो कि आपकी हमारी हम सबकी लविंग वन है। और जैसे इसके पहले वाले व्लॉग में आपने देखा कि मैं जा रही थी बट मैं नहीं जा पाई थी, तो मैंने उनको कॉल किया कि यार निशा मैं क्या करूँ, तो बोली बहन तो टेंशन ना ले, मैं आती हूँ तेरे पास, क्योंकि मेरा और उसका मिलना भी बहुत लंबे टाइम हो गया कि इस बार हम दोनों मिले ही नहीं। तो उसको ये था कि जिस दिन से प्रेगनेंसी सुनी थी ना, उस दिन से बोल रही थी कि यार मुझे तुझसे मिलना है, तो कैसी है, बराबर से केयर करना, अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छी है निशा, बहुत अच्छी है, और हम दोनों की बॉन्डिंग जो है ना वो टचड वाली है, अच्छी वाली बॉन्डिंग है। सो मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि फाइनली मैं उससे मिलूंगी। मैं नहीं जा पाई, मतलब दोस्त ऐसे ही होना चाहिए ना यार कि मैं नहीं कर पाई तो वो बोली कि ओके मैं आती हूँ, मैं कर लूँगी, तो वो भी आने वाली है। वो क्या करेंगे हम लोग, कैसी मस्ती करेंगे, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ बताएंगे। और मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना न्यू ईयर के लिए, पता है मैंने ड्रेस में नहीं समझ में आ रही क्या कौन सी पहनूँ, क्या पहनूँ, कहाँ जाऊँ। तो प्लीज़ आप लोग ना मुझे कमेंट में ज़रूर ज़रूर बताना कि आप लोग किस टाइप से सेलिब्रेट कर रहे हो और मुझे किस टाइप से करना चाहिए, ठीक है, ज़रूर ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मैं ये खाती और निशा आएगी, मैंने उसके लिए क्या खाने की तैयारी की है वो भी बताऊंगी, सारी चीज़ें अपडेट दूंगी आप लोगों को। बट आप लोग खूब सारा प्यार देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, वीडियो को पहले ही लाइक कर दो, फिर एंड में आप लोग भूल जाते हो। सो लव यू, मिलते हैं। तो आप लोग में से बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास रेगुलर आते हैं कि दीदी अपना स्किन केयर का रूटीन बताओ, आप क्या लगाते हो, क्या यूज़ करते हो। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि नॉर्मल विंटर टाइम भी है ना, हमारी बॉडी, हमारी स्किन एकदम खिंची खिंची सी रहती है और बहुत रूखी रूखी रहती है ना, और ऊपर से जब प्रेगनेंसी होती है ना तो और ज़्यादा, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे हॉर्मोनल चेंजेस होते हैं और हम बिना डॉक्टर रिकमेंडेड कोई भी प्रोडक्ट अगर हम यूज़ कर लेते हैं प्रेगनेंसी में, तो हमारे स्किन में पिंपल्स होने के चांसेस रहते हैं, पिगमेंटेशन होती है, डलनेस हो जाती है स्किन। बट मैं आपको एक ऐसा प्रोडक्ट बताऊंगी जो मैं खुद पर्सनली यूज करती हूं, मुझे बहुत ज्यादा फायदा मिला है, और सबसे अच्छी बात क्या होती है कि हम घर बैठे ही इसको ऑर्डर कर सकती हैं। ये है क्योर स्किन, जो कि स्पेशली डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है, और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो खुद डॉक्टर ही आपको रिकमेंड करेंगे कि अगर आप बोल दोगे ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे उस हिसाब से चाहिए, तो आपको उस हिसाब से देंगे। जैसे मैं इसमें यूज करती हूँ रेगुलर ये वाला फेस वॉश,
सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर, ये तीन ही मैं यूज करती हूँ, इतना ज्यादा बेस्ट। और जो आ रही है उनके लिए मैंने यहाँ पे डिश बनाई है, मेरी वाली फेवरेट, क्योंकि मुझे भी दाल के चीलड़े पनीर वाले बहुत ज्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैं खुद बना रही हूँ क्योंकि प्रॉपरली नहीं बन पा रहा था करणवीर से। तो यहाँ पे ना मैंने दाल में सारी चीजें, सारे वेजिटेबल्स डाले हैं, गाजर, फूल गोभी, प्याज पत्ती, शिमला मिर्ची, सब मिक्सअप करके डालते हैं ना, तो बहुत ही टेस्टी होता है। तो मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है। आप लोग बताओ किसको किसको ये वाली रेसिपी चाहिए, तो मैं जरूर शेयर करूंगी। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और खाने में इतना ज्यादा टेस्टी है ना, सच में आप लोग याद करते रह जाओगे। बाकी मुझे जैसे नॉर्मल दाल खाना नहीं पसंद है, तो बट मैं दाल के चीले ना बहुत शौक से खा लेती हूँ। तो अगर रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर जरूर बताना। तो यहाँ पे मेरी बन गई है। सो हम दोनों जा रहे हैं मम्मी को लेने, वो आ चुकी हैं। उसने मना किया था नीचे भी नहीं आना, अभी हम दोनों का पेट एक जैसा ही लग रहा है ना। सच बोल के कौन पंगा ले। वेलकम वेलकम वेलकम। गलत है। मैं फोन करूं। कोई नहीं है यार, हम भी बन गए लल्लू, आप भी बन गए लल्लू। वो शायद रॉन्ग एड्रेस पे चली गई है, रुको एक मिनट। सो वो लाने गए हैं। एक्चुअली क्या होता है, लोकेशन इधर की देते हैं और आ जाती है उधर से, पता नहीं क्या डंगा है, थोड़ा सा लोकेशन मिक्स मैच होते हैं। तो वो आ गई है फाइनली, नीतू जी लाने गए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। वेलकम जी वेलकम वेलकम जी वेलकम। मेरा कोई चिंता नहीं भाई, भाई बना लेते। नहीं तू तो इनकी भाई है। एक मिनट को मैं लेता हूँ अच्छे से। थैंक यू पागल हो गया, सॉरी कर लेना। अरे नहीं 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 तो तुमको थोड़ा देता हूँ। इतने क्यूट लग रहे यार। अरे इनो दिखो तो सही, दोनों चेहरे नहीं दिख रहा मेरा। कितनी क्यूट लग रही है, कितनी क्यूट, छोटा मोटा बोलू प्यारा सा है ना। वेलकम वेलकम वेलकम, आपकी दुआ है। कैसा लग रहा है? चाय ऊपर में बोला तेरे, कैसा लग रहा है ये बताओ। पापा फीलिंग वाली, मुझे सब चीजें अच्छी लग रही है। मैं लेती हूं और अच्छा लग रहा है। फीलिंग बताओ सही है। इन्होंने तो बोल रखा है, देखना तुम बेटी ही होगी, बेटी ही होगी। एक बेटी लक्ष्मी माँ, हनुमान, दोनों दोनों बाप बेटे ना हर टाइम ऐसे करती हैं। पापा ये ऐसे, पापा इन्होंने ऐसे नहीं, मेरे बहन आएगा ना, आप ये ऐसे करती है, बताओ बेटी होगी ये पकड़ो, बेटी ये दोनों ऐसे करते, दोनों में बेटी रखती है, ये दोनों में ही बेटी रखते हैं, मतलब को बेटी ही होगी। फिर यहाँ पे मेरे जो हेयर्स थे वो भैया निकाल रहे थे, और यहाँ पे मैं निशा से बात कर रही थी, जेठू जी भी यहाँ खड़े थे। इतना अच्छा लग रहा था ना, ऐसे लग ही नहीं रहा था कि, और ये सच में मतलब इतनी डाउन टू अर्थ है ये। स्पेशली सामने से बोले कि हाँ मैं घर आ जाऊँगी, तेरे लिए क्या लेके आऊँ, तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या खाना है, क्या करना है, मतलब ये केयर इतनी यादगार रहती है ना सीरियसली। और मैंने भी उसके लिए अपने हाथों से दाल का चीलेड़ा बनाया था, एकदम खुश हो गई थी। और यहाँ पर हम बहुत सारी बातें कर रहे थे, फिर न्यू ईयर के बारे में बता रही थी कि तेरा क्या प्लान है, तो मैंने बोला मेरा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कुछ सजेस्ट कर दे, तो वो अपना बता रही थी। तो हम सब ऐसे ही, हम सब यहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, बहुत सारी बातें की है। और इतना टाइम बाद मिली ना मैं निशा से, तो हमारी बहुत सारी बातें पेंडिंग थी। और मैं जब भी हम दोनों मिलते हैं ना, हम हमारी सारी बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं, सारी सारी इधर की उधर की सारी बातें करते हैं। तो अच्छा लगता है कि यार वो भी मुझे ये पूछ रही थी, तेरी तबीयत कैसी रहती है, अभी क्या खाने का मन करता है, कैसे क्या रहती है, कोई काम तो नहीं करती ना, तो ये वो, मतलब वो अच्छी लगती है। और नॉर्मल डेज में भी ना वो मेरी बहुत केयर करती है, मतलब बराबर से मेरी खोज खबर लेती रहती है। तो यहाँ पे करण बोला आऊंगे नहीं, बोला आजा आजा तू, आजा तू तो आ भाई। हमें बस खाने का शौक है, वही मिल गया।
ना निशा की यही आदत अच्छी लगती है, वो हमेशा मेरा केयर करती है। तो उसने जैसे ही देखा ना कि बाल वाल सारे खुल गए, तो फिर वो बोलती है कि बहन तू शूट करेगी तो ये तेरे लिए मैं हेयर्स लेके आई हूँ, उसको तू ऐसे करके वेयर कर सकती है। तो वो खुद मेरे बालों में प्रॉपरली वेयर करके दिखा रही थी कि अगर तुझे कम्फर्ट लगे तो तू ये रख ले। मतलब हर छोटी छोटी चीज़ का केयर करना, मेरे को हर चीज़ में ध्यान रखना, बहन तुझे क्या चाहिए क्या करना है, हर चीज़ को वो मुझे गाइड करती रहती है बड़ी बहन के जैसे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये खुद मेरे लिए लेके आई, बोली ये तू लगा सकती है अपने बालों में। तो यहाँ पे ये देखो मेरे खुद अपने हाथों से पूरे बाल वगैरह सेट कर रही है। और यहाँ मैंने रेड कलर का था, तो बोली तू उसको ब्लैक करवा लेना, कोई बात नहीं है, बाकी ये तू रख ले तेरे आगे काम आएगा। तो फिर मैंने देखा कि यार ये रेड कलर है तो कोई बात नहीं, कलर तो करवा लूँगी, बट पहले मैं एक बार मिरर में जाके देखी हूँ। मैं देख के आती हूँ, तब तक आप लोग कमेंट्स में बताओ तो कैसी लग रही हूँ मैं इस हेयर में। यार अच्छी तो लग रही थी, बट ना मेरे से ये लगाने वगाने के पंगे हैंडल नहीं होंगे। फिर मैंने बोला जब मेरा बेबी अच्छा सा ग्रो अप हो जाएगा, मुझे लगेगा कि अब मैं मेरे हेयर्स को मैनेज कर पाऊंगी, मैं फिर आके वापस से एक्सटेंशन ही करवाऊंगी, ये सब मेरे बस का नहीं है। तो ये भैया सारे खोल दिए और मुझे लग रहा था हाँ अब मैं सही हूँ मेरे शॉर्ट हेयर में। प्रेगनेंसी ना हम हमारी ना तो फेस की ना बॉडी की ना हेयर की कहीं की भी केयर नहीं कर पाते, तो अब मैं कंफर्टेबल हो गई। यार ये टाइम ना हमेशा मेमोरेबल रहता है। तो यहाँ पे निशा ने बहुत ही प्यारा सा वीडियो बनाया था मेरी बेबी मम के साथ, हम दोनों ने बहुत सुंदर सुंदर वीडियोस बनाए और ज़रूर हमारे चैनल पे देखना, आपको देखेंगे। और यहाँ पे जेठू जी बना रहे थे सबके लिए हल्दी वाला दूध, जो कि निशा चाय ज़्यादा नहीं पीती है ना, तो इसीलिए उसके लिए हल्दी वाला दूध बनाया जा रहा है। और जेठू जी की वैसे भी निशा बहुत लाडली है, तो यहाँ पे वो पूछ रहे थे मैं थोड़ा चीनी डाल दूँ, तो वहाँ पे वो बोल रहे नहीं भाई मैं चीनी नहीं पीती। फिर भी जेठू जी ज़बरदस्ती बोले थे थोड़ा सा चीनी ले ले थोड़ा सा चीनी ले ले। तो यहाँ पे हम दोनों ने बहुत प्यार प्यार से वीडियोस बनाए और यही दिन है ना हमेशा यादगार रह जाएंगे, ये पल हमेशा यादगार रहेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस पल को जीने में, बहुत अच्छा। थैंक यू, जितना थैंक यू बोलूँ ना उतना कम है। हालांकि हम दोनों बहनें हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे हैं, बट थैंक यू नहीं चाहिए। बट कुछ जगह ना थैंक यू बहुत बड़ा मैटर करता है। और सच में मैं नहीं आ पाई तो ये बोली मैं आ जाऊंगी, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आई लव यू। नहीं आ पाया ना, मैं वैसे भी आती, मुझे अच्छा लगता पर मौका नहीं मिल जाता, क्योंकि निकल के आने के लिए एक बहाना चाहिए पड़ जाता बिजनेस वाले को ना, और वो मुझे मिल गया था। मैंने कहा बहन मैं आऊंगी तू रहने दे, एक बार में खुद ही बोली कि चल ठीक है तू रहने दे, मैं आऊंगी। आधे रास्ते से चला जाता, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे सरिता बहुत अच्छी लगती है, फैमिली आपकी बहुत अच्छी है, भाई अच्छा है, बट ना ये मुझे दिल की बहुत अच्छी साफ लगती है, इसकी मैल नहीं है भाई, आपकी मम्मी आप में भी नहीं है, तो बिल्कुल अच्छे लगते हैं। और कई बातें होती है जो मैं सरिता को बोलती थी पर सबको नहीं बोलती, हमारे में बहुत सारी बातें होती है। तो यहाँ मैंने करवा लिया है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोटीन कैरेटीन नहीं करवाना चाहिए, तो इसीलिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज ये सब करके जाती है आपको पता ही है। कैरेटीन को मना कर देते हैं प्रेगनेंसी में, क्योंकि वो इनहेल हो जाता है, तो इसलिए नहीं करते। अब मैं सलून में भी कई क्लाइंटों को मना कर देती हूँ, आप स्पा करा लो, ऑयलिंग करा लो। हाँ, तो इन्होंने जैसे ही मुझे मना किया तो फिर जिद करने की बात ही नहीं है, निशा ने मना कर दिया, मतलब फाइनली मना है, कोई टेंशन नहीं है। तो मेरे ये हो गए हैं शॉर्ट हेयर, अब कुछ दिन के लिए शॉर्ट हेयर में दिखूंगी मैं। हाँ, और जब बेबी हो जाएगा ना तो बेबी के उसके बाद हम बस, हाँ फिर वापस में आऊंगी, आके करवा के जाऊंगी एकदम, बस बहुत बहुत अच्छा लगा। नहीं मुझे भी बहुत मजा आया, और हमने खाए चिल्ले दूध हल्दी पता नहीं क्या क्या, भाई हमने बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस भी बनाए, खूब मस्ती की हमने, खूब मस्ती, भाई भाई पता नहीं क्या क्या खिला रहे हैं मुझे, ये बराबर ड्यूटी लगा रहे हैं, इतना इतना खिला रहा हूँ निशा को। नहीं निशा डाइटिंग पे है, निशा नहीं खा रही है, चिल्ला टेस्टी था है ना। जैसे मेरी प्रेगनेंसी बेबी हो जाएगा ना निशा, मैं फिर से बाल लगाने आऊंगी, तब लंबे लंबे बाल लगाऊंगी, तब बिल्कुल लंबे लगाएंगे, तब तक तुम्हारे भी इतने हो जाएंगे, मेरे वाली लेंथ लगाएंगे, अभी छह महीने मेरी वाली लगाएंगे, अभी छह महीने मेरे लगाएंगे। हां तू आ जा, बड़ा टाइम पे ना, बहुत एक्टिव है भाई, इसमें कितने लोग हैं, कितने लोग हैं इसमें, फोर्थ फ्लोर है ना हमारा, फर्स्ट फ्लोर में कोई रहते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पूरा है, पहुंच के मुझे मैसेज करना, बहुत ज्यादा हां अभी तभी हम कह रहे बाय बाय, लव यू, नारायण नारायण, ध्यान रखना अपना, नारायण से मत दी, बाय माता दी, जय माता दी, आगे का रेडी रखना अपना, ठीक है ना। तो वो जा रही है,
हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अब आप लोग सोच रहे होगे कि दीदी आपने क्योर स्किन के बारे में इतना कुछ बता दिया बट हम परचेज कैसे करें, तो डोंट वरी, मैं आपको ये भी बताती हूँ कि आपको करना ये है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाओ, जाके क्योर स्किन का ऐप डाउनलोड करो, डाउनलोड करते ही अपनी प्रॉब्लम्स वहाँ पे बता दो, डॉक्टर आपको प्रॉपरली कंसल्टेंट करेंगे, प्रेगनेंट हो तो वहाँ पे बता देना कि मैं प्रेगनेंट लेडी हूँ, उस हिसाब से आपको आपका जो किट है वो तैयार किया जाएगा आपके फेस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें टेस्ट करके। और सबसे अच्छी बात है कि ये किट ना नॉर्मल 1499 में मिलता है, बट अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे सरिता 250, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको 1250 में मिल जाएगा। बिल्कुल सही है, ना तो अब रस्ते का जाने आने का खर्चा, ना तो डॉक्टर से अलग मिलने का खर्चा, और ना ही अलग प्रोडक्ट्स के खर्चे, सारों का एक साथ मिला के 1250 में आपको ये पूरा किट मिल रहा है। तो किस बात की देरी है, लिंक पर जाओ, क्लिक करो और अपने लिए घर बैठे अपनी सर्दियों के लिए अपने फेस को प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो। हाँ जी, तो ये है मेरा लुक जो कि आप लोगों को देखना था, क्योंकि इसके पहले वाले ब्लॉग में मैंने ये ड्रेस पहनी थी बट वहाँ पर शूट नहीं हुआ और मैं अपना पूरा लुक नहीं दिखा पाई, तो मैं कैसी लग रही हूँ जरूर जरूर बताना। और निशा आई थी तो वीडियो तो बनाने ही थी यार, वो इतनी ज़्यादा खुश थी और बहुत टाइम से था कि हम दोनों को मिलना है, मिलना है ना, बोलो बच। थैंक्स निशा, वो वाकई ब्रेव लड़की है। नहीं थैंक यू, वो मेरी फ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरे को बहन मानती है, तो लव यू। कहाँ से समय निकाल के इतना दे सकी था, तुम बता, तू नहीं आ पाएगी, मैं और आई तो आई मेरे लिए ये पेन रिलीफ वाला लेके आई, बोली मैं तेरे लिए, उसको पता है कि मेरे को बहुत पेन होता है तो वो ये लेके आई, तो मुझे इतना अच्छा लगता है ना, यही चीजें ना लाइफ टाइम हम याद रखते हैं, जो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखती है सरिता, तू जा रही है, वो बहुत ध्यान रखती है, वो फोन करती है, वो बराबर मेरी खोज खबर लेती है और हर छोटी छोटी चीजों का ध्यान, तो ये चीज अच्छी लगती है ना, यही उसको बताता है कि वो बहुत डाउन टू अर्थ है। ये लोग ऐसे जैसे बड़ी बहन का छोटी बहन का रोल निभा रही है अभी पूरा, अंकु मेरी छोटी बहन का, निशा मेरी बड़ी बहन का, तो वो लोग बहुत प्यार करते हैं, तो यही चीज है ना, ये मोमेंट हमेशा याद रखते हैं कि कौन आपको कितना केयर करता है, कौन आपको कितना साथ रहता है, सारी चीजें बहुत बहुत फर्क पड़ता है इससे, बहुत फर्क पड़ता है ना। तो वो आई, उसको नहीं खाना था, उसको नहीं था, फिर भी वो मेरे लिए खाई, मेरे लिए की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। और यहाँ पे ये मेरे हो गए हैं अब शॉर्ट हेयर, जैसे उसने मना कर रखा है कुछ नहीं कराना है, तो मैं थोड़ा सा बालों को मेरा टचअप करना है, वो टचअप करके स्पा करवा लूँगी कल, मैं फ्री हो जाऊँगी, है ना।